नाउ वन मोर थिंग, अगर मैं मीटर बोलूं या सेंटीमीटर बोलूं इट डजेंट मैटर, दिस इज ऑल्सो अ लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो अ लेंथ, दोनों लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग क्या यूज करते थे, एल। तो दोनों को तुम एल यूज कर सकते हो। इसका मतलब हमको समझ में क्या आया, तो मीटर बोलो चाहे सेंटीमीटर बोलो, आफ्टर ऑल इट्स अ लेंथ, है तो लेंथ ना। अगर मैं बोलू वन मीटर आप बोलो 100 सेंटीमीटर, तो क्या हम लोग अलग हो जाएंगे क्या? ठीक है, बोथ आर लेंथ। इसका मतलब हमें समझ में आया ना कि जब मीटर को हम सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं तो उसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब लेंथ पहले भी था लेंथ बाद में भी। मीटर इट्स अ लेंथ, सेंटीमीटर इट इज ऑल्सो लेंथ। आर यू गेटिंग? यस हियर। तो व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग 1 मीटर is equal to 100 centimeter, you can say this is a length and this is also length, both are length. The dimension remains same, dimension same rehta hai. Okay, so see here formula bana rahe hain, formula dekho zara, n1 u1 is equal to n2 u2, number into unit is equal to number into unit, into hai. Okay, number into unit is equal to number into unit. So number into unit, यूनिट क्या होता है, जैसे ये मास लेंथ टाइम, लेट्स इसकी पावर है एक्स वाई जेड, एन टू यूनिट मास, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मास लेंथ टाइम एक्स वाई जेड क्रॉस मल्टीप्लाइड, ब्रिंग इट डाउन, इसको नीचे ले आओ, इट बिकम एम वन अपॉन एम टू raised to power x, bring it down, cross multiply, ये नीचे आ जाएगा, तो n2 क्या हो जाएगा, n2 is equal to n1, m1 m2 को नीचे साथ में ले आओ, m1 upon m2 raised to power x, l1 के नीचे l2 आ जाएगा, l1 upon l2 raised to power y, t को नीचे ले आओ, t1 upon t2 raised to power z, okay. So listen carefully, this is a formula. How to use this formula? इस formula का use कैसे करेंगे? See here. अब तुम्हें formula तो बता दिया, अच्छा remember, सिर्फ इसमें mass length time ले सकते हो और कुछ नहीं, never. Mass or length or time or all three, mass length time के और कुछ नहीं ले सकते. Is it clear? Only mass length time. Okay, ठीक है, this is a formula. So look here, formula कैसे आया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब नंबर इनटू यूनिट इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। तो हमने यूनिट क्या ले लिया, मास लेंथ टाइम, राइट हैंड साइड पे भी मास लेंथ टाइम, डायमेंशन चेंज नहीं होता, इसलिए पावर सेम रहेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यूज कैसे करोगे, वन हमेशा नोन लोगे, नोन, और टू जो होगा अननोन होगा, जो फाइंड आउट करना, अननोन मतलब यू हैव टू फाइंड आउट, नोन मतलब इट इज गिवन इन द न्यूमेरिक। ठीक है, ओके, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जस्ट वेट, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लुक हियर, एक क्वेश्चन इज गिवन, आपको मालूम है जूल किसकी यूनिट होती है, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड बेटा होल्ड करो, एक सेकंड, एनर्जी, ओके, जूल एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, अब इसका जो सीजीएस होता है वो अर्ग होता है, हमको नहीं मालूम कि कैसे कन्वर्ट होता है, लेट्स से, तो क्वेश्चन में दिया हुआ, लुक हियर, कन्वर्ट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, SI unit of energy 1 joule into CGS unit erg, मतलब आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ये जूल है, जूल, यू वॉन्ट टू कन्वर्ट जूल इंटू अर्ग,
मतलब SI को CGS में कन्वर्ट कर, और ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा N2 is equal to N1, M1 upon M2 raised to power X, L1 upon L2 raised to power Y. तो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, जूल इज गिवन और अर्ग इज गिवन, क्या गिवन है जरा बताओ मुझे, जूल 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 गिवन है, तो जूल को जो मैंने क्या लिखा है देखो इधर, जो गिवन होगा उसको वन लेंगे और जो फाइंड आउट करना होगा उसको टू लेंगे, मतलब अर को हम टू लेंगे और जूल को वन लेंगे, ओके। तो देखो जरा जस्ट ये दिस इज SI एंड दिस इज CGS, SI एंड CGS, हम लोग मास लेंथ टाइम लिख लेंगे, मास लेंथ टाइम ये गिवन है, इट इज गिवन एंड दिस यू टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट कर मास लेंथ टाइम। तो यहां पे मास क्या होता है केजी, ऐसा यूनिट में, लेंथ क्या होता है मीटर, मतलब मीटर लिख देते हैं, एम ओनली, एम स्टैंड फॉर मीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड। सीजीएस में जाएंगे तो मास होता है ग्राम, लेंथ होता है सेंटीमीटर, टाइम इज सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम वन एल वन टी वन, एम टू एल टू टी टू। अच्छा एन वन की वैल्यू दे रखी दैट इज वन जूल, वन दे रखी है, वन एन टू यू टू फाइंड आउट, ये वन इज गिवन ही, देखो जस्ट की वन इज एन वन इज वन एन टू इज टू, सब कुछ तो हो गया। तो आप फॉर्मूला रखो जरा, एन टू इज इक्वल टू की फॉर्मूला क्या था, एन वन एम वन अपॉन एम टू रेस टू पावर एक्स, एल वन अपॉन एल टू रेस टू पावर वाई, जेड वन अपॉन जेड टू रेस टू पावर जेड। तो एक काम करते हैं हम लोग ये वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है, एन टू फाइंड आउट करना है, एन वन की वैल्यू वन है, इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, एम वन क्या लेंगे के जी, एम टू इज ग्राम, इसका एम वन इसका एम टू, अभी हमें पावर रखनी है, एल वन मीटर इसका सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड ओके, बट व्हाट अबाउट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो सर आपने बताया नहीं क्या रखना है, व्हाट इज एक्स वाई जेड, आपने T1 की जगह Z1 लिखा है। ओहो हां सर, ओहो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, T1 अपॉन T2, हाँ बट एक्स वाई जेड नहीं रखा आपने, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो ये एक्चुअली क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन की वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता था, क्या था एनर्जी का डायमेंशन जरा डायमेंशन देख के बताओ मुझे, एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन क्या था, जस्ट चेक इट, एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन क्या था, कुछ ही एम वन एल टू टी माइनस टू, यस करेक्ट, एम वन एल टू टी माइनस टू, तो जिसकी पावर है ना वो एक्स वाई जेड ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तो एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू टू, जेड की वैल्यू माइनस टू। अब हम यहां पे रख देते हैं, दिस इज वन दिस इज टू दिस इज माइनस टू, ये एक्स वाई जेड कैसे निकाला, समझ में आया हाउ टू गेट द एक्स वाई जेड। अच्छा तो देखो SI यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना, ठीक है, मास केजी की, इसमें केजी रहेगा, उसमें ग्राम रहेगा, इसमें मीटर होगा, उसमें सेंटीमीटर, दोनों में सेकंड कॉमन है, तो सेकंड सेकंड क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो वन रह जाएगा, वन की कुछ भी पावर रखोगे इट इज ऑटोमेटिकली वन, वो वन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रखो ना, वन रेज टू पावर माइनस टू इज ऑल्सो वन ना, इट डजंट मैटर, तो वन हो जाएगा, तो लीव द थर्ड वन। अब ये आ गया हमारे पास एन टू इज इक्वल टू वन, केजी और ग्राम को कैंसिल करना, हाउ डू यू केजी कैंसिल, कैंसिल कैसे करोगे, वन केजी इज थाउजेंड ग्राम रेज टू पावर वन, एंड वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर रेज टू पावर टू, ये तो वन हो गया नाउ, अब ये ग्राम ग्राम और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सो एन टू इज इक्वल टू एन वन, एन टू इज इक्वल टू वन, ये आ जाएगा थाउजेंड रेज टू पावर वन और ये हंड्रेड स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये थाउजेंड एंड दिस इज फोर जीरोज हो जाएंगे,
तो कितना आ जाएगा 10^7 zeros। ठीक है, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया कि इसका मतलब 1 joule, व्हाट द आंसर इज 1 joule इज इक्वल टू 10^7 अर्क। तो अगर जूल को अर्क में चेंज करेंगे तो 10^7 आता है। देखो जस्ट समझो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देखो समझो, जस्ट सी अंडरस्टैंड दिस वन कैसे किया, जस्ट सी क्वेश्चन समझो पहले, दिस इज अ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद देखो कैसे किया गया। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, हाँ अच्छे से देख लो। एक अच्छा, इसमें से MLT रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, दिस इज अ फॉर्मूला। कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, एनी स्टेप? नो सर। मतलब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लेंथी है बट अंडरस्टेबल है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, कॉपी इन दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। दर रोज मटन का है दादा, दो साठ चल रहे। Done, sir. ऐसे करंट चला गया था, वाईफाई चेंज किया जस्ट, तो कार कंप्लीट कर लिया ना। ओके, डू दिस वन। यस सर। स्क्रीन इतना ठीक है ना कि और ऊपर? हाँ है।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं स्क्रॉल करता हूँ कंप्लीटली। यस सर, हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। एक दो और करते हैं, जैसे अगर मैं लेता हूँ कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन इंटू CGS यूनिट डैन। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, दैट इज न्यूटन। तो 1 न्यूटन को अगर मुझे डैन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, वैसे चेंज करने के तो बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन आपके बोर्ड्स में यही मेथड दिया है। ठीक है, सो न्यूटन फोर्स हो गया। सो मैं स्क्रॉल करूं थोड़ा बहुत, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिर वही बॉक्स बना लेते हैं। रुकिए, दिस वन हियर M1 L1 T1 वाला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम। इसको 1 लेते हैं, N1 इज गिवन 1, N2 फाइंड आउट करना है। दिस इज SI फोर्स न्यूटन एंड दिस इज CGS। तो M1 L1 T1 and M2 L2 T2, so this is a kg meter second and gram centimeter second। xyz निकाल लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2, so ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। तो x वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -2। x y z, दैट इज x y z। ओके, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर x, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर y and T1 upon T2 raised to power Z. Okay, this one. So, आप रख देंगे, आपको values easily मिल जाएंगी, फिर cancel कर दीजिए उनको। तो kg, gram, x क्या है? 1. Then meter, centimeter, y is 1. And time, second. This is -2. तो second तो cancel हो जाएगा, इसमें कोई problem नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारा 1 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा केजी को ग्राम में लाके कैंसिल कर देंगे हम लोग। 1 kg is 1000 ग्राम, 1 meter is 100 centimeter, ये तो 1 हो गया।
तो अल्टीमेटली ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेकंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें के 3 जीरो में के 2 जीरो कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। तो दिस इज 10^5 जीरो। फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 बैक। लेकिन जब आप हाँ बोलो इन टू माइनस टू है ना वहाँ वन की आई वापस नहीं, तो वन की पावर कुछ भी रखो वन आएगी ना बेटा, वन की पावर तुम टू रखोगे तो भी वन आएगा, वन की पावर माइनस टू रखोगे तो भी वन आएगा, वन की पावर तो कुछ भी रखोगे वन आएगा, ठीक है। वन की कुछ भी पावर रखो बेटा, 121 रखोगे तो भी वन आएगा, कुछ भी पावर रखो, वन रूट वन रखोगे तो भी वन आएगा, ठीक है। तो वन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होता, तो वन रेज टू पावर माइनस टू रखेंगे तो भी वो वन आएगा। अब समझ में आ गया, लेकिन जब आप जेई और नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा चेंज कर देगा, मतलब इतना इजी नहीं देगा आपको, मतलब होगा इस मेथड यही रहेगा, बट थोड़ा सा उसका जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको दे दिया, आपको वन और टू समझ में आ रहा था प्रॉपर। इस कंप्लीट करिए तो मैं आपको एक कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन कराता हूँ। हो गया, यस सर आदमी, ओके ठीक है। अब हम तुम्हें कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं कॉम्पिटिटिव वाला सुना ला हो गया तो मैं प्रोसीड करूं बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर, ओके नाउ। अब इतना सिंपल नहीं देगा कि जैसे 1 जूल को आर में चेंज करो, तो वो बच्चा नहीं भी करेगा तो भी इसको याद रहता है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है 1 जूल 10^7 आर को क्या चेंज करे, ठीक है, ये सबको याद रहता है 1 न्यूटन 10^5 है, ठीक है। वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देगा, हाइपोथेटिकल मतलब जिस स्टूडेंट कैसा क्वेश्चन लेगा, वो क्वेश्चन ऐसा लेगा, लेट से 1 जूल ऑफ एनर्जी, सपोज कर लो आपका क्लास है, आपने एक न्यू सिस्टम बनाया, आपने एक न्यू सिस्टम बनाया, आपने कहा कि मैं कहता हूँ कि 1 kg स्टैंडर्ड होता है, आपने कहा नहीं 1 kg स्टैंडर्ड नहीं होता, मैं 10 kg स्टैंडर्ड हूँ, आई विल टेक 10 kg स्टैंडर्ड। मैं कहूंगा 1 मीटर इज स्टैंडर्ड होता है, नहीं नहीं मैं 10 मीटर स्टैंडर्ड लू, इफ आई एम सेइंग 1 सेकंड इज स्टैंडर्ड टाइम, आप कहोगे नहीं मैं मिनट में लूंगा उसको, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपने एक न्यू सिस्टम अपना बना लिया, ठीक है, तो सी हियर 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इन न्यू सिस्टम, आपने न्यू सिस्टम बनाया, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सिस्टम, एक न्यू सिस्टम बनाया, हमें नहीं मालूम वो सिस्टम कौन सा, ठीक है, उस सिस्टम में आपने न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, उस न्यू सिस्टम में क्या है कि लेंथ जो है वो लेंथ का जो स्टैंडर्ड होता है, लेंथ को मेजर किया जाता है वो 1 मीटर नहीं होता है, वो 10 मीटर होता है, मतलब वहां पे 1 मीटर की कोई मीनिंग नहीं होती है, वो सिर्फ 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। और उन्होंने मास लिया कि मास किया 1, 2, 3 कुछ नहीं होता, मैं सीधे 10 kg लूंगा, मास इन 10 kg, ओके। और उन्होंने कहा मैं सेकेंड लूंगा, मैं मिनट लूंगा, ठीक है, तो उन्होंने कुछ ले लिया और टाइम ले लिया इन वन मिनट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू सिस्टम,
what is the value of 1 joule in this new system? Value of 1 joule in new system of unit. एक नया system जो आप बना रहे हो, new system of unit. इस तरह का क्वेश्चन आएगा. वो एक नया सिस्टम हमेशा अज्यूम कर ले, कुछ भी अज्यूम कर ले, ठीक है. अब ये सिस्टम एग्जिस्ट भी नहीं करता है, उन्होंने अज्यूम कर लिया अपने से, ठीक है. तो अब मुझे बताओ जरा, एक जूल को इस न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है. मैं 1 मीटर बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो 10 मीटर. मैं बोल रहा हूँ 1 kg, आप बोलते हो 10 kg. मैं बोलता हूँ 1 सेकंड, आप बोलते हो 1 मिनट. तो फिर मैं 1 जूल बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे फिर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो ये प्रॉब्लम आता है. तो एक काम करते हैं, ये जूल जो है वो एसआई है, कोई तो मालूम है सबको, जूल इज एसआई सिस्टम. तो हम लोग क्या करेंगे, जूल गिवन है, 1 जूल इज गिवन, ये दिया हुआ है, तो एसआई दिया हुआ है, दैट इज जूल, इट इज गिवन टू यू. इसको 1 ले लेंगे, और ये न्यू सिस्टम है उसको 2 ले लेंगे. न्यू सिस्टम जो दिया हुआ है उसको हम लोग 2 ले लेंगे. इसको 1 ले लेंगे और इसको 2 ले लेंगे, ठीक है. ओके, तो देखते हैं. मैं बोल रहा हूं कि मैं जस्ट हियर, हम लोग जो यूज करते हैं अपने सिस्टम में वो तो हम लोग यूज करते हैं, रुकिए, हाँ हमारी तुम्हारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है. मैं जो बोल रहा हूं आप कुछ और बोल रहे हो, ठीक है. तो M1 L1 T1, M2 L2 T2, ओके. इफ आई एम सेइंग 1 kg, आप बोलते हो 1 kg कुछ नहीं होता, 10 kg होता है. मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर तो आप बोल रहे हो नहीं 10 मीटर होता है. इफ आई एम सेइंग 1 सेकंड, आप बोल रहे हो 1 मिनट होता है. तो मैं बोलूंगा 1 जूल, तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन समझ में आया? आर गेटिंग द क्वेश्चन? इफ आई एम सेइंग 1 kg, यू आर सेइंग 10 kg. नो सर, आई विल टेक 10 kg. आई विल, इफ आई एम सेइंग 1 मीटर, यू आर सेइंग 10 मीटर. मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, आप मिनट की बात कर रहे हो. तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैं 1 जूल बोलूंगा, तुम क्या बोलोगे फिर? तो फिर इसको कन्वर्ट चेंज करना पड़ेगा. फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 रेज टू पावर X, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर Y, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर Z. पहले डायमेंशन देख लेते हैं, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, हमने भी थोड़ी देर पहले भी किया था. M1 L2 T-2, X की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, Y की वैल्यू 2 और Z की वैल्यू -2. चलो रख देते हैं, चलिए आप लोग इसको ट्राई करो, वैल्यू रखो, चलो जस्ट ट्राई हो सेल, ट्राई करिए आप लोग. मैंने आधा कर दिया, आधा आप लोग ट्राई करिए, जरा देखो क्या आता है. X, Y, Z रखो, M1 ये M1 L1 T1 M, ये तीनों यहाँ पे लाके रखो सबको. जरा सॉल्व करो, इसके एक्स वाई जेड राइट में देख लेना, 1, 2, -2 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या आता है. जस्ट ट्राई हो सकते, कॉपी ऑन दिस क्वेश्चन फर्स्ट.